नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टे ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रैपिंग छोड़ने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन उनके इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक बड़ा धमाका कर डाला। स्टेन के फैंस से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस तरह की स्टोरी क्यों पोस्ट की थी। आपको बता दें कि बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीतने के बाद एमसी स्टेन अपने लाइव शोज और कंसर्ट में बिजी हो गए थे। हाल ही में सलमान खान ने उनकी भांजी अलीजे की फिल्म में एमसी स्टेन को रैप गाने का मौका दिया था। ये स्टेन का बॉलीवुड डेब्यू था। दरअसल सोमवार 8 अप्रैल 2024 की रात को एमसी स्टेन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, मैं रैप छोड़ रहा हूँ। इस पोस्ट में उन्होंने आगे रेड हार्ट की इमोजी भी लगाई थी। इस पोस्ट का एक और मतलब भी निकाला जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि डोंगरी के रैपर की भाषा बोलने वाले स्टेन के मुताबिक छोड़ने वाला हूँ का मतलब ड्रॉप करने वाला हूँ भी हो सकता है, यानी जल्द ही स्टेन अपना अगला रैप ड्रॉप कर सकते हैं। रैप की दुनिया में गाने को लॉन्च करने को ही ड्रॉप करना कहा जाता है। बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीतने के बाद एमसी स्टेन ने रियलिटी शो से दूरी बना ली थी। आमतौर पर अपने शोज में हजारों की भीड़ के सामने परफॉर्म करने वाले स्टेन कैमरे के सामने असहज महसूस करते हैं। यही वजह है कि खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा जैसे बड़े रियलिटी शो ऑफर होने के बावजूद एमसी स्टेन ने अपने म्यूजिक पर ध्यान देने का फैसला किया। एमसी स्टेन का रैप के लिए जुनून देख चुके उनके फैंस ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो कभी म्यूजिक छोड़ सकते हैं। अब अपनी पोस्ट के जरिए एमसी स्टेन आखिर क्या कहना चाहते हैं, इसका खुलासा रैपर को खुद ही करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।